उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा के नगर पालिका में सभासदों ने अपने अपने वार्डो के विकास कार्य को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसमें सभासद के अध्यक्ष आफताब अहमद ने कहा कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी हमारे वार्डो में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जनता को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धरने पर बैठने से पहले हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था कि हम लोगों की मांगे न पूरी होने पर हम लोग 21 दिसंबर 2020 को नगर पालिका भिनगा में धरने पर बैठेंगे और अपनी जायज मांगों के लिए जिला अधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन देंगे। सभी नगर पालिका परिषद के सभासद हैं, हमारा नाम आफताब अहमद है और ये हमारे दिनेश वाल्मीकि जी हैं वार्ड सभासद, अलखराम यादव जी हैं, राजू भाई हैं, रईस भाई हैं और ये हमारे कृष्ण कुमार भाई हैं, ये राजू भाई हैं, विनोद जी हैं। क्या मांगे हैं हम लोगों की? मांगे ये है कि सर, हम लोगों को चुनाव जीते हुए लगभग 3 वर्ष हो गया जी, और 3 वर्ष में आप भी भिनगा नगर से वाकिफ हैं, देख रहे हैं कि नगर पालिका का विकास बिल्कुल जस का तस ऐसे रुका हुआ है। हम लोगों ने इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से, अधिशासी अधिकारी महोदय से, अध्यक्ष जी से बात की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने जब अधिशासी अधिकारी महोदय से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिला अध्यक्ष जी के वजह से कार्य रुका हुआ है, जिला अधिकारी महोदय के वजह से कार्य रुका हुआ है। हम लोग अध्यक्ष जी के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि अधिशासी अधिकारी महोदय कुछ आगे करने ही नहीं देते हैं, क्या करें। अब बताइए, जब हम लोगों को जनता ने चुन के यहाँ पर भेजा है, उनकी मांग पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आज ये कंडीशन आ गई है कि हम उनके सामने किस मुंह से जाएं, हम किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे। अपने धरने पे कब से बैठे हुए हैं? धरने पर बैठे हम लोगों ने शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया था कि जो हमारी मांगे हैं, नगर पालिका में पर्याप्त धन है जिससे पूरे नगर का सुंदरीकरण हो सकता है, हर वार्ड में विकास हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वो धन अंततः दिसंबर या जनवरी तक वापस चला जाए। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी ने बताया कि हमने ज्ञापन लेने के लिए कहा भी तो सभासदों ने इनकार करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी हमारी मांगों को लेकर अनदेखी करते हैं। विकास कार्य को लेकर अगर हम कोई भी प्रस्ताव नगर अध्यक्ष को देते हैं तो वह अधिशासी अधिकारी के पास भेज देते हैं, और अगर अधिशासी अधिकारी के पास जाते हैं तो नगर अध्यक्ष के पास भेज देते हैं। इसी तरह चलता रहा तो हम आने वाले चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे? नगर में विकास कैसे होगा, यह चिंता का विषय है। दिसंबर महीने में जिस तरह भयंकर ठंड हो रही है, जिसमें शासन के आदेश के बावजूद भी गरीबों को कंबल वगैरह वार्डों में वितरित नहीं किए गए हैं, जिसके हम सभी सभासदों में काफी नाराजगी है। हम सभी को चुनाव जीते हुए लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य ढंग से नहीं हुआ है। हमेशा अधिशासी अधिकारी व नगर अध्यक्ष महोदय एक दूसरे पर आरोप थोप देते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद में पर्याप्त धन उपलब्ध भी है, जिसका हमने ब्यौरा भी मांगा, वह भी नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि लिखित में हमको दिया जाए, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम सभासद के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर परिसर के सामने जिलाधिकारी महोदय के सामने धरना देंगे, और मांगे नहीं पूरी हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। धरने पर बैठे सभासदों में राजू, कृष्ण कुमार, रईस अहमद, गोली राम, मोहम्मद रफीक, सुनीता देवी आदि लोग मौजूद रहे। यार कि जो भी ज्ञापन है हमको दे दीजिए जी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी शाम तक बैठेंगे जी। जहाँ तक धरने प्रदर्शन की बात है, इसके पहले बोर्ड बैठक हुई थी जी, बोर्ड बैठक में भी ये हुआ था कि जो भी नेसेसरी वर्क है, जो प्रथम दृष्टिया ये होता है कि 10 वर्क है तो इसमें से 2 काम ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जी, तो हमने कहा कि सूची पूरी रहेगी लेकिन उसमें हम प्राथमिकता के बेस पे जी, जो हम काम वर्क करेंगे जी, और कुछ हमारे एस्टीमेट बन गए हैं, 2-4 वार्ड के एस्टीमेट रह गए हैं जिनके लिए कहा गया कि बन जाए तो समग्र रूप से कम से कम कुछ नहीं तो 50 वर्क का जो एस्टीमेट करना है हमको जी, और इसके पहले भी टेंडर हुआ था जिसमें इन्हीं सभासदों द्वारा जैसे कुछ वार्ड का छूट गया था तो जिसमें इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल पास किया। विकास कार्य हो रहे हैं जी, बट कुछ बाधाएं भी आ जा रही हैं जी, जैसे इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल रखा जी, अब पुनः टेस्ट में टेंडर कराया गया है, वो फाइनल अभी स्वीकृति नहीं हुई है जी, 14वें वित्त का भी प्रपोजल बना के भेजा गया है, जल्दी भी उसका भी वर्क हो जाएगा जी। अन्य वार्डों का नाली और इंटरलॉकिंग का एस्टिमेट कराया बनवाया गया है, वो यथाशीघ्र उसका जो है अनुमोदन लेकर के टेंडर करा दिया जाएगा। तो इनको आश्वासन क्या दिया जा रहा है?
आश्वासन तो हमने कहा है कि हम आप वो जान रहे हैं कि एस्टिमेट बना हुआ है, कुछ वार्ड का एस्टिमेट रह गया है जिसमें ये हुआ कि भाई इसको भी कंप्लीट करा करके और इसका निर्माण कराया जाए। इन लोगों का कहना है कि जैसे ठंडी में कंबल आता है या अलाव का वो होता है, हर वार्ड में नहीं जल रहा है। एक्चुअली जब से ठंड पड़ी है तब से अलाव हम लोग जलवा रहे हैं। नहीं नहीं, नगर में तो जल रहा है, लेकिन कहने का मतलब इनका है सभासद का कि हमारे वार्ड में जलना चाहिए। ठीक है, तो वो भी वार्ड वाइज जी वो भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज के लिए वैजनाथ यादव की रिपोर्ट, श्रावस्ती।